अम्मा छुगला जी अम्मा हटो यार, अम्मा कहाँ चल दिए यार? दुकान जा रहे हैं। सुना तुम्हारी पढ़ी लिखी बहुरिया ने घर में पुलिस बुलवा लिया है? और तुम्हारा वो गच्चो रात भर हवा खा कर आया? अन्ना भैया हमें बुलवा लिए होते यार है? देखो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन शायद तुम्हारे कोई काम ही आ जाते हैं। ऐसा है भैया चौरसिया, हाँ? कि भगवान वो दिन ना दिखाए कि तुमसे मदद लेनी पड़े मुझे, समझ गए? अरे भैया शुक्ला जी, इसमें भगवान की क्या गलती है? अरे भैया तुम जो खुद ही पैसे देके मलियाबाद से मुसीबत मोल लेकर आए हो, अब तो भगवान जो दिन ने दिखाए वही कम है। भाई नहीं यार, पापा जी थोड़ी जेल में बैठे, तुम माल भेजो बस, काम धंधा थोड़ी बंद कर दिए हैं। और हाँ दो कट्टा, हेलो अब फोन कट गया पता नहीं। अरे पापा जी वो होलसेलर वाले चंदूलाल का फोन था, बोला इस महीने माल नहीं दे पाएगा। हम पूछे काहे, तो बोला आपको जेल हो गई तो उसका तो पैसा बच जाएगा। अब बोला पिछला क्लियर करो तो अगला भेजे। साले और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलो, ट्रांसफार्मर पे चढ़ जाओ और पूरे कानपुर में ऐलान कर दो कि बड़े शुक्ला को जेल हो गई है। साले कहीं के देखो कैसा आंसरस। अरे गए हमें बर्थडे नहीं मनाना। अरे मगर कृष्णा जी, आप अपने बर्थडे वाले दिन आप हमको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हैं? तो क्या कल का मुहूर्त निकलवाए फिर जाए? नहीं कृष्णा जी, हम ये नहीं कह रहे कि मुहूर्त निकलवाना जरूरी है, मगर प्लीज कम से कम एक आखिरी बर्थडे हमारे साथ मना लीजिए कृष्णा जी, प्लीज। राधा जी आप क्या बच्चे हैं, आपको हमारी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है? अरे दम घुटता है हमारा इस घर में, सिर्फ आपके पापा जी इस घर के लोगों को जानवर नहीं समझते, इस घर के इंसान बीमार खाते खाते अपने आप को जानवर समझने लगे। आपने देखा ना, ललिया भाभी की जुबान तक नहीं खुली पुलिस के सामने, अरे ऊपर से हमें झूठा साबित कर दिया। हम तो बस उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, पर शायद वो खुद ही अपनी मदद नहीं करना चाहते। देखिए हम इस घर में नहीं रह पाएंगे, हमने फैसला कर लिया है। अच्छा कृष्णा जी आप मत रुकिए, मगर इस सब में हमारी क्या गलती है? हमने अपनी बाइक जला दी, पापा जी से पंगा ले लिया, लाली भाभी के कमरे का दरवाजा तक तोड़ दिया। कृष्णा जी आपने जैसे काम ने वो सब किया, प्लीज एक बात हमारी भी मान लीजिए कृष्णा जी, बस आज रुक जाइए, प्लीज एक बर्थडे हमारे साथ मना लीजिए, प्लीज कृष्णा जी प्लीज। अरे प्रभु एक का दर्द दे दिए हमको हैं? अरे अरे अब तो उठा लो हमको, परेशान हो का भाई? नहीं कहां चल दी सवारी हैं? ऐसे लष्टम पष्टम तैयार होके का कोई नया कांड रचने की तैयारी तो ना हो रही है? अब मम्मी जी वो कृष्णा जी का हैप्पी बर्थडे था आज, तो सोचा इनको थोड़ा घुमाने ले चलते हैं और आपका आशीर्वाद भी ले लेंगे। हाँ 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 ले जाओ। जे लड़की जितनी देर घर से बाहर रहेगी ना सबके लिए ठीक रहेगा। हाँ नहीं दो चार पल हम भी शांति से अपने घर में गुजार लेंगे। नहीं ले जाओ। थैंक यू मम्मी जी। जाओ। अरे भाई बड़े बट्टे बनाएंगे भाई, चलो। देखा हमने बोला था ना मम्मी जी मान जाएंगी। कौन सी मिट्टी के बने हैं आप? यही की सिविल लाइंस कानपुर की। और हाँ कृष्णा जी, हम कभी कभी ना सिर्फ बेवकूफी का नाटक करते हैं, इतने बड़े वाले हम हैं नहीं। अब मम्मी जी का ताना हमको समझ में नहीं आता है क्या? कभी कभी बेवकूफ बनने से अपना काम बन जाए और सामने वाले का दिल भी ना दुखे तो क्या बुराई है। चले अब चलो। हाँ। रुकिए आइए। कहाँ ले जा रहे हैं आप? अरे कृष्णा जी आज आपका हैप्पी बर्थडे है ना,
कृष्णा जी आंखें मत खोलिए जब तक हम नहीं बोलते। हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी। यार हर बात फजीहत करवाना जरूरी है क्या हमारी? राधे जी ये सब, कृष्णा जी ये सब हमने अपने हाथों से सजाया है खास आपके लिए, ताकि आपको यहाँ पे एकदम अपने घर जैसा फीलिंग आए। थैंक यू राधे जी। अरे नहीं नहीं अभी पूरा थोड़े ना हुआ है, दोबारा से चुटकी बजाने जा रहे हैं। You're welcome, Krishna ji. हाँ तो दोस्तों अब पब्लिक की डिमांड और भारी फरमाइश पर अब पेश होने जा रहा है कृष्णा भाभी और राधे भैया का नहीं भैया हम डांस नहीं कर सकते। कृष्णा जी करिए ना। अरे नहीं राधे जी बोलिए ना। कृष्णा जी थोड़ा सा कर लेते हैं, वो क्या है ना कि ज्यादा हमको भी नहीं आता। ऐसे थोड़ी ना चलेगा भाभी, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। हाँ। बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे। Thank you.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Krishna ji, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, Krishna ji. ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।